चलिए आज हम करेंगे क्लास एट मैथ्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट एंगल्स आपस में इक्वल हैं। हमने पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। देखिए इस पैरेललोग्राम में ये वाला साइड इसके पैरेलल है, ये वाला साइड इसके पैरेलल है, इसलिए ये पैरेललोग्राम तो है ही है ना। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है एक पैरेललोग्राम में जो ये अगल बगल के एंगल होते हैं, जो ये आस पास के एंगल होते हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, इसलिए एंगल ए जो है वो एंगल बी का एडजेसेंट एंगल होगा। इसी प्रकार से एंगल बी जो है वो एंगल सी का एडजेसेंट एंगल होगा, एंगल सी एंगल डी का एडजेसेंट एंगल होगा, एंगल डी एंगल ए का एडजेसेंट एंगल होगा। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे इस पैरेललोग्राम के ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो चलिए इस बात को यहां पर लिख लेते हैं, लिखते हैं इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए जो है, मान लेते हैं हम यहां पर कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। ये हमको गिवन है ना, इसके आगे हमने गिवन लिख भी लिया। अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है एक पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री, इसलिए हमारा एडजेसेंट एंगल ए एंड एंगल बी इन दोनों का सम भी होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम भी होगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर रीजन लिख लेते हैं, लिखते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर है एंगल ए, फिर यहां पर है प्लस में है एंगल बी, तो प्लस तो यहां पर हमने लगा लिया, अब यहां पर है एंगल बी। अब देखिए एंगल बी जो है वो एंगल ए के बराबर है, एंगल बी एंगल ए के बराबर है, तो हम एंगल बी की जगह पर लिख सकते हैं एंगल ए। तो हम एंगल बी की जगह पर लिखेंगे एंगल ए, क्योंकि एंगल बी एंगल ए के इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए हम एंगल बी की जगह पर लिख सकते हैं एंगल ए। तो हमने एंगल बी की जगह पर यहाँ पर एंगल ए लिख लिया, ठीक है, इक्वल्स टू में है 180 डिग्री। अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है एंगल ए प्लस एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल ए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए, है ना, इक्वल्स टू में हमारे पास में है 180 डिग्री। अब हम 2 को ना लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो 180 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा एंगल ए एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2। 2 से जब हम 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो आएगा 90 डिग्री, तो एंगल ए हमारे पास में आ गया 90 डिग्री। अब देखिए एंगल ए एंगल बी के इक्वल है ना, तो देखिए हम लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल ए के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल ए के इक्वल है। एंगल ए को यहाँ पर हमने निकाला है 90 डिग्री, तो एंगल ए की जगह पर आएगा 90 डिग्री, है ना। यहाँ पर है एंगल बी, तो हमारे पास में एंगल बी भी आ गया 90 डिग्री का, ठीक है, एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री का हो गया। देखिए यहाँ पर हमने एंगल ए को निकाला 90 डिग्री, एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, एंड एंगल बी को भी यहाँ पर हमने निकाल दिया 90 डिग्री, एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो ये अपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं ना। तो हम लिखेंगे एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वो इक्वल होते हैं ना। एंगल ए एंगल सी के बराबर क्यों होगा, क्योंकि एंगल ए एंगल सी इस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पर है एंगल ए, एंगल ए हमने निकाला है 90 डिग्री, तो एंगल ए की जगह पर आएगा 90 डिग्री, तो हमारे पास में एंगल सी का वैल्यू भी आ गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इस पैरेललोग्राम में एंगल बी एंड एंगल डी,
ये जो एंगल बी एंड एंगल डी हैं ये भी अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये भी आपस में बराबर होंगे। एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, ये भी अपोजिट एंगल्स हैं ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, इसलिए ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पर बी है एंड बी हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री, तो बी की जगह पर आएगा 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर है एंगल डी, तो एंगल डी का वैल्यू भी हमारे पास में आ गया 90 डिग्री। तो देखिए एंगल ए भी हमारा 90 डिग्री का आ गया, एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री का आ गया, एंगल सी भी हमारे पास में 90 डिग्री का आ गया, एंगल डी भी हमारे पास में 90 डिग्री का आ गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए, है ना, एंगल बी, है ना, एंगल सी एंड एंगल डी, ये सब के सब बराबर हैं एंड ये सब के सब 90 डिग्री के हैं। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।